हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इंफोसिस लिमिटेड के शेयर के बारे में। इंफोसिस में पिछले 3 दिनों में 7 से 8% की गिरावट देखने को मिली है, और ये अगर इस अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो और भी नीचे गिर सकता है। चलिए जानते हैं एक्सपर्ट की इस पर क्या राय है। इंफोसिस कल की तेज बिकवाली करीब 4% की, और आज भी बिकवाली 2% की, 6% 2 दिन में वाइप आउट हो चुका है। लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी रेंज के लोएस्ट एंड पे खड़ा है। अब 1440 1435 यहीं से आमतौर पे पुल बैक लेता है। क्या करना चाहिए? देखिए, अब ट्रेडिंग की पोजीशन है तो पिछले स्विंग लो तक आ गया है, आई थिंक लीस्ट रिस्क एरिया में आया हुआ है, और वो लेवल्स तकरीबन मेरे हिसाब से 1435 के आसपास के हैं। तो मेरा थॉट यही है कि ट्रेड में है तो मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, और आई थिंक 1434 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें अर्ली क्लोजिंग बेसिस पे। 1 घंटे का बंद अगर उसके नीचे आ जाता है और वहां पे सस्टेन कर लेता है तो आई थिंक एक बार ट्रेड से निकलना चाहिए। कारण यही है कि जिस तरह से यूएस में वीकनेस चल रही है, नैसडैक में वीकनेस चल रही है, आईटी स्टॉक्स थोड़ा अब प्रेशर में रह सकते हैं। तो अगर 1430 किसी कारण से तोड़ के डिसाइसिवली नीचे खड़ा रह जाता है तो आई थिंक नीचे के दायरे और खुल जाएंगे, और उस केस में अपने पिछले लोस की तरफ कहीं फिसल जाएगा 1370-1380 की तरफ। 1300-1430 ये आपका क्लोजिंग स्टॉप लॉस, या फिर आप अगर उसके नीचे ये काफी देर तक कामकाज कर लेता है तो आप यहाँ पर निकलने की कोशिश करें, अदरवाइज आप पोजीशन में बने रह सकते हैं।